नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे पौधे के बारे में जो आमतौर पर घरों के आसपास आसानी से मिल जाता है। इस पौधे को काफ़ी विषैला माना जाता है, लेकिन आयुर्वेद में इसे एक औषधि के रूप में भी माना गया है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आक के पौधे के बारे में। आमतौर पर आपने देखा होगा कि ये दो प्रकार का होता है, एक जिसमें सफ़ेद फूल आते हैं और दूसरा जिसमें बैंगनी रंग के। गर्मी के दिनों में ये पौधा काफ़ी हरा भरा और फल फूलदार होता है। वैसे तो इस पौधे को काफ़ी विषैला माना जाता है, लेकिन सही मात्रा में सही देख रेख में यदि इसका प्रयोग किया जाए तो इससे बेहतर औषधि और कुछ नहीं। दोस्तों, जिन लोगों को खुजली या दाद होते हैं उन लोगों के लिए आक का पौधा किसी रामबाण उपाय से कम नहीं। आपने देखा होगा कि जब आप आक के फूलों के गुच्छे को तोड़ते हैं या उसकी कोई पत्ती तोड़ते हैं तो उससे सफ़ेद सफ़ेद दूध के जैसा कुछ लिक्विड निकलता है। यदि आपको दांत की समस्या लंबे समय से है तो आप आक का दूध इकट्ठा कर लें और उस दूध में नारियल का तेल मिला लें। अब इसे जहाँ पर दांत या खुजली हो रही है वहाँ नियमित रूप से 3-4 दिन लगाएं। ऐसा करने से आपकी खुजली या दांत दूर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। हमारा आपसे निवेदन है, यदि जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।